तो आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल के ऊपर, और एडवांस एक्सेल में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि एक्सेल में सिलेक्शन मेथड क्या होता है, क्योंकि एक्सेल के अंदर में डेटा को सिलेक्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपने डेटा को सही ढंग से सिलेक्ट नहीं किया तो आप आगे ना कॉपी कर सकते हैं, ना फिल्टर कर सकते हैं, ना सॉर्टिंग कर सकते हैं। मतलब कि एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन। अगर आपने डेटा सिलेक्ट कर लिया उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। तो आज हम इस क्लास में हम सिलेक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने वीडियोज बंद कर लीजिए प्लीज, तो स्क्रीन छोटी हो जाएगी ना वीडियो अगर ऑन रहेगा तो। चलिए तो हम एक्सेल फाइल खोलते हैं, और एक्सेल फाइल में हम एक छोटा सा यहां पे डेटा लेते हैं। मैं हमेशा रैन बिटवीन फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं। रैन बिटवीन फॉर्मूला रैंडम नंबर शो करता है। क्या शो करता है? रैंडम नंबर। जैसे ओटीपी होता है ना उस टाइप का, हमेशा एक नया नंबर देगा जो नंबर डालेंगे आप यहाँ पे। तो मैं हमेशा इसको ऐसे सैंपल डेटा के लिए यूज करता हूँ, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। और हर बार ये चेंज होता है, अपने आप को चेंज करता है। देखिए अब मुझे इस डेटा को सिलेक्ट करना है, तो एक तरह के माउस से आपने सिलेक्शन कर लिया। तो एक तो हुआ कि आपने माउस पे क्लिक किया, होल्ड करते हुए इसको सिलेक्ट कर लिया। दूसरा एक एडवांस तरीका होता है कि आपने स्टार्टिंग पे क्लिक किया, शिफ्ट को प्रेस किया, अपने शिफ्ट की को प्रेस किया और सबसे लास्ट वाले पे क्लिक कर दिया, आपका डेटा अपने आप सिलेक्ट हो गया। ओके, फर्स्ट पे क्लिक किया शिफ्ट के साथ, लास्ट पे क्लिक किया, आ गया। एक सिलेक्शन ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कि आप जो है माउस इस तरह से सिलेक्ट करें, या फिर पहले सेल पे क्लिक करें, शिफ्ट को प्रेस करें और लास्ट वाले सेल पे क्लिक करें, इस सिलेक्शन खुद ब खुद हो जाएगा। अगर कीबोर्ड की सिलेक्शन की हम बात करें, एक मैं कीबोर्ड खोल लेता हूं ताकि आपको पता चलेगा कौन सा कीबोर्ड की बात हो रही है। जैसे कि आपने यहां पे डेटा सिलेक्ट करना है आपको, तो एक कर्सर, उससे पहले कर्सर मूवमेंट देखिए। अगर आपने कंट्रोल के साथ राइट एरो यूज किया तो सबसे लास्ट में जाएगा, कंट्रोल के साथ आपने डाउन में यूज किया तो सबसे नीचे आएगा, कंट्रोल के साथ आपने राइट में यूज किया तो ऊपर जाएगा, और कंट्रोल के साथ अगर आप कंट्रोल के साथ कंट्रोल की के साथ अगर आपने अप यूज किया तो कर्सर आपको ऊपर जाएगा। एक कर्सर मूव हो रहा है, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है आप लोगों को? तो कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करते हैं तो नीचे आता है कर्सर, लेकिन इसके बीच में कोई ब्लैंक ना हो तो, अगर आपके इसके नीचे अगर कोई ब्लैंक हो गया तो फिर ये दिक्कत करेगा। जैसे कि मैंने यहां इसको डिलीट कर दिया मान लीजिए, अब मैं ऊपर से कंट्रोल के साथ डाउन में आता हूं तो कर्सर मेरा यहीं पे रुक जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा चीज का। तो आप अगर स्टार्टिंग में है और आप चाहते हैं कि लास्ट में जाना, तो आप एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं, ए एरो की का, इस तरह से कर्सर मूवमेंट में। ये समझ में आ गया आपको सोनम जी एंड अंकित जी? यस सर। अब मुझे जाना है विद सिलेक्शन, जैसे कि हम कर्सर यहां से यहां ले जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि सिलेक्शन के साथ जाए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सिलेक्शन के साथ जाए। देखिए तो कंट्रोल के साथ जो आप राइट एरो करते हैं तो राइट में चला जाता है, तो आप शिफ्ट को ही प्रेस कर ले। कंट्रोल शिफ्ट अगर राइट एरो करेंगे तो राइट में विद सिलेक्शन जाएगा। ऐसे ही कंट्रोल और शिफ्ट के साथ अगर मैं डाउन करूंगा तो यह नीचे भी आएगा। आ गया, तो आपका डेटा सिलेक्ट हो गया। तो डेटा सिलेक्ट करने के लिए एक मिनट में थोड़ा सा डेटा डिलीट कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब ठीक है, तो
तो अब मुझे डेटा को अगर सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करूंगा एंड डाउन एरो प्रेस करूंगा, मेरा पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। बट कंडीशन यही है कि पहले रो एंड पहले कॉलम में कोई डेटा ब्लैंक ना हो। अगर ब्लैंक है तो दिक्कत होगा। अगर ब्लैंक है तो क्या करें? तो कंट्रोल के साथ आप ए इस्तेमाल करें, इसको बोलते हैं कंट्रोल सिलेक्ट ऑल। ओके, सिलेक्ट ऑल, ये डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक कॉज है, अगर आपका डेटा के बीच में कोई ब्लैंक सेल हुआ, जैसे यहां ब्लैंक सेल दिख रहा है ना, पूरा ब्लैंक रो हुआ, पूरा रो ब्लैंक होना चाहिए, देन आप कंट्रोल ए करते हैं तो आपका ऊपर का एरिया ही सिलेक्ट होगा, नीचे का एरिया ही सिलेक्ट नहीं होगा। पूरा रो ब्लैंक है तो बीच में अगर मान लें कोई वैल्यू है तो कोई बात नहीं, तब आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल ए करते समय आप देख ले कि आपके डेटा में कोई पूरी की पूरी रो ब्लैंक तो नहीं है। अगर पूरी की पूरी रो ब्लैंक है तो फिर आपको मैनुअली डेटा सिलेक्ट करना होगा। कैसे? कंट्रोल डाउन इस तरह से, या माउस से सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर ऊपर में कर्सर रखिए और शिफ्ट के साथ नीचे में कर्सर क्लिक कर दीजिए, सिलेक्ट हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको? अब कंट्रोल ए आप एक बार ही करेंगे, अगर आपने कंट्रोल ए दो बार किया तो पूरी की पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल ए आप दो बार करेंगे तो पूरी की पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी। तो कंट्रोल ए करता क्या है? फर्स्ट टाइम कंट्रोल ए क्या करता है कि आपके यहां फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल होता है, उसमें आपके सामने होता है करेंट रीजन। तो हम फर्स्ट टाइम जब कंट्रोल ए करते हैं तो इस करेंट रीजन को ट्रिगर करता है और डेटा को सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन अगर सेकेंड टाइम करते हैं तो ए वन और ए के ऊपर जो ट्रायंगल है ना, इस पे क्लिक करके पूरी की पूरी सीट सिलेक्ट कर देता है। ओके, पूरी की पूरी सीट सिलेक्ट कर देता है। अब बात करते हैं मल्टी सेल सिलेक्शन की। जैसे कि मुझे हम तो एक कंटिन्यूअस सिलेक्ट करते हैं ना, इससे कंटिन्यूअस सिलेक्ट कर लिए, लेकिन हमें कंटिन्यूअस सिलेक्ट नहीं करना है, हमें पहले को करना है, दूसरे को नहीं करना है, फिर तीसरे करना है, फिर पांचवे को करना है, ऐसे अलग अलग करने। तो कंट्रोल के साथ कंट्रोल की को होल्ड रखें और जहां जहां चाहिए वहां वहां क्लिक करते जाए। एक से ज्यादा चाहिए तो आप क्लिक करते हुए ड्रैग करें, एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर आप कलर करें, बॉर्डर करें, या इसको कॉपी करें, वो आपके डिपेंड करता है। लेकिन अगर मल्टीपल रो में वर्क कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखना होगा, जैसे हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे नीचे भी सिलेक्ट करना है, तो नीचे अगर आपने ज्यादा मैंने ऊपर सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्रेस किया और नीचे हमने ज्यादा सिलेक्ट कर लिया, अब ये डेटा कॉपी नहीं होगा। कॉपी के अलावा कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस मैनेज करना होगा आपको, क्योंकि आपने अगर ऊपर तीन कॉलम को सिलेक्ट किया है तो नीचे भी आपको तीन कॉलम ही सिलेक्ट करना होगा, तभी आप डेटा को कॉपी कर पाएंगे, अदरवाइज कॉपी नहीं कर पाएंगे, कॉपी के अलावा सब कुछ कर पाएंगे। जैसे मैंने सिलेक्ट किया ए और बी को और डी और ई को और जी को, अब मुझे नीचे जो है फाइव नंबर रो में ए और बी सिलेक्ट कर लिया, जी और ई सिलेक्ट कर लिया, अभी भी आपका कॉपी नहीं होगा। रीजन कि हमने जी के नीचे कॉपी नहीं किया, तो जिस रो में जितना आपने कॉलन को सिलेक्ट किया है, नीचे वाले रो में आपको उतना ही कॉलन सिलेक्ट करना होगा, तभी आप डेटा को कॉपी कर पाएंगे, अदरवाइज कॉपी नहीं कर पाएंगे। अंकित जी, सोनम जी, एक क्लियर है आपको? यस सर। सोनम जी म्यूट अनम्यूट करे तो मैं सुन पाऊंगा। मैं शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। उसी तरह से कॉलम में भी है, मतलब कि आपने एक से लेकर छह को सिलेक्ट किया तो दूसरे कॉलम में भी आपको एक से लेकर छह को सिलेक्ट करेंगे, तभी आप कॉपी कर पाएंगे। ये बाउंडेशन सिर्फ कॉपी के लिए, बाकी चीजों के लिए नहीं। जिसको मल्टी सेल सिलेक्ट कहा जाता है कि मल्टीपल सेल को हम सिलेक्ट करते हैं। हाँ, बस थोड़ी सी आवाज स्लो आ रही है आपकी सर। आपने जो बीच बीच में
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसे एक बार दोबारा क्लियर करेंगे? देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी हमें सारे जरूरत नहीं पड़ती, सारे नाम की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने दिया है, नाम दे देता हूँ, ठीक है? ये मैं बताऊंगा आपको, ये आगे की चीज है, ये कस्टम लिस्ट है, मैं आपको इससे आगे बताऊंगा। इसमें फिलहाल इससे इग्नोर कीजिए। अब मुझे इसमें से पूजा, जिसमें भी पूजा का नाम है वो सिलेक्ट करना है। तो आपने इस पे कर्सर रखा, कंट्रोल के साथ इस पे कर्सर रखा, इसको कर्सर रखा, इस तरह से आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट आप जो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट इसको कॉपी नहीं कर सकते। समझ गया? हाँ, तो सिलेक्ट करने के बाद कलर वलर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कॉपी करना है तो सीक्वेंस मेंटेन करना होगा। जैसे आपने ऊपर ए और सी को सिलेक्ट किया, तो नीचे किसी भी कॉलर में आपको ए से सी तक ही सिलेक्ट करना होगा, तभी आप कॉपी कर पाएंगे, अदरवाइज कॉपी नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से अगर मान लीजिए कॉलम वाइज किया आपने, तो आपने पूजा से लेके वन से लेके सिक्स में कॉपी किया, और मुझे एट कॉलम को भी कॉपी करना है, तो एट से लेके सिक्स तक ही हम सिलेक्ट कर पाएंगे, करेंगे तभी हम कॉपी करेंगे, ठीक है? अब एक ही ध्यान और रखिएगा कि आप सिलेक्ट मल्टीपल कर रहे हैं, अलग अलग बीच में गैप काफी है, बट इसको कॉपी करके कहीं आप पेस्ट करते हैं तो सिक्वेंस पेस्ट होगा, गैप नहीं होगा, राइट? सीक्वेंस पेस्ट होगा, गैप नहीं होगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। हम लोग जैसे कि एक्सेल पे जो काम करते हैं तो बहुत सारे शीट्स पे काम करते हैं। तो तीन शीट है मुझे, अब मैं शीट और ऐड कर लेता हूं। अब मुझे क्या है कि मुझे टाइप करनी है, मुझे यहां पे टाइप करना है डेट, और यहां पे फॉर्मूला आज का डेट डाल देना है, लेकिन मुझे हर सीट पे करना है। तो आप चाहते हैं कि मैं मल्टीपल सेल आप सिलेक्ट करते हैं ना, ऐसे क्या मल्टीपल शीट सिलेक्ट की जा सकती है? जी हाँ, की जा सकती है। मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूं। हाँ, सीट वन को सिलेक्ट किया, मुझे पूरे सीट को सिलेक्ट करना है, तो सीट वन पे हमने कर्सर रखा और शिफ्ट को प्रेस किया, अपने कीबोर्ड के शिफ्ट की को प्रेस किया और सबसे लास्ट से क्लिक कर दिया। अब देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया, ऊपर में आपको ग्रुप लिखा हुआ आ गया। अब मैं जो भी टाइप करूंगा हर एक सीट के सेम लोकेशन में होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट लिखा और यहाँ पे टाइम लिख दिया, सॉरी डेट लिख दिया, तो अब देखेंगे हर सीट पे सेम जगह पे आपका हो रहा है। मैं दोबारा बताता हूं मैंने कैसे किया। हमने पहले वाले सीट पे कर्सर रखा, क्लिक किया और शिफ्ट को प्रेस करते हुए लास्ट वाले सीट पे क्लिक कर दिया, इसके बीच में जितने भी सीट है सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। जैसे कि एक्सेल में होता है यहाँ पे सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ अगर मैं नीचे तक क्लिक किया तो पूरा सिलेक्ट होता है, और इसे यहां भी सेम होता है। अब इसमें बात आती है कि मुझे सारे सीट पे नहीं, कुछ पर्टिकुलर सीट पे ही वर्क करना है, तो हम यहां शिफ्ट को कंट्रोल शिफ्ट के जगह पे कंट्रोल प्रेस करेंगे और उस पर्टिकुलर सीट पे क्लिक कर देंगे। तो मेरा सीट जो सिलेक्टेड है इसी पर्टिकुलर सीट पे सिलेक्टेड है। जैसे मुझे कई सारे सीट एक साथ डिलीट करने हैं, तो आप एक सीट को छोड़ के बाकी सारे सीट को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं यहाँ, लेकिन एक सीट आपको सिलेक्ट रखना पड़ेगा, एक सीट आपको सिलेक्ट रखना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर है? तो मल्टीपल सीट सिलेक्ट करना आ गया आप लोगों को?
हेलो अंकित जी। हाँ जी सर। ओके सर आगे बढ़े। हाँ सर। अब इसमें आगे चलते हैं हम, तो मल्टीपल सीट को हमने सिलेक्ट करना सीखा, हमने सीखा मल्टीपल रेंज को, एरिया को सिलेक्ट करना सीखा, और सिलेक्शन के और भी जो मेथड होते हैं वो मेथड के बारे में हमने आपको बताया, राइट। तो जब भी डेटा की सिलेक्शन करे तो इसी मेथड का पालन करें कि आप एक बार कंट्रोल ए कर लें, मोस्टली हम लोग कंट्रोल ए ही करते हैं, लेकिन दिक्कत होगी कि आप देख लीजिएगा कहीं नीचे ब्लैंक तो ना है, तो कंट्रोल ए में दिक्कत होगा। पूरी की पूरी सीट को सिलेक्ट की जा सकती है, पूरी की पूरी सीट सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। अब सीट के ऊपर आप जो है नई सीट इंसर्ट करने के लिए आप न्यू सीट पे क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करके इसका रिनेम कर सकते हैं, सीट के ऊपर राइट क्लिक करके आप सीट को डिलीट कर सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं, इसको मूव एंड कॉपी, मतलब कि मूव मतलब होता है कि उठा के कहीं भी इसको मूव कर देना, कॉपी मतलब कि कंट्रोल प्रेस करके इसको मूव करना तो इसकी कॉपी बन जाएगी, या नई फाइल में प्रेस करना है तो मूव एंड कॉपी में जाइए और यहाँ से न्यू वर्कबुक कीजिए। अगर आपने क्रिएट कॉपी पे क्लिक नहीं किया तो नई फाइल में चली जाएगी, क्रिएट कॉपी पे क्लिक कर दिया तो नई फाइल में क्रिएट होके में कॉपी होके जाएगी, ओरिजिनल यहाँ रह जाएगा आपका। तो इस तरह की इसकी मूवमेंट आप कर सकते हैं, इसको हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, और भी बहुत चीजें हैं जो कि हम आगे क्लासेज में आपको बताएंगे। अभी जो था डेटा सिलेक्शन जो था वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि मैंने आपको समझाया। अब बात करते हैं ड्रैग करने का। जी हाँ, ड्रैग, जैसे कि आपने यहाँ पे वन लिखा और यहाँ पे टू लिखा, तो इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए और इन दोनों के बीच में जो गैप है नंबर का, उसी सीक्वेंस से नीचे तक आपका ड्रैग हो जाएगा। तो ड्रैग करने के लिए आप यहाँ कॉर्नर पे जो ये ज्वाइंट दिख रहा है उस पर क्लिक करते हैं, आपका कर्सर जो है वो प्लस का साइन बनेगा लेकिन पतली वाली ब्लैक कलर का, उसका इसको ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वन एंड टू, तो इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए और आप ड्रैग कर दीजिए। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ये होता है, ट्रिक्स होते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए कि मुझे ऑड नंबर चाहिए, तो एक और तीन हमने लिख दिया और इसको फिर हम ड्रैग करेंगे, आपका ड्रैग होगा। मान लीजिए मुझे डेट ड्रैग करना है, तो हमने एक तारीख का डेट डाल दिया और नीचे हमने ड्रैग कर दिया, आ गया सर, डेट आ जाएगा। लेकिन मुझे हर महीने का डेट चाहिए, मतलब कि मान लीजिए ईएमआई डेट निकालना है 22 तारीख का, तो आज का डेट हमने डाल दिया, फिर इसमें हम क्या करेंगे 22 अक्टूबर का डेट डालेंगे, दो डेट डाल दिया। अब इन दोनों को लेके मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूं, आप देखेंगे 22 अक्टूबर, 22 नवंबर, 22 दिसंबर, इस तरह से होगा। इस तरह से भी आप ड्रैगिंग कर सकते हैं। नहीं, ड्रैग करने का शॉर्टकट की नहीं, शॉर्टकट की के बारे में कल मैंने बताया, उस लिस्ट को देख लीजिए। मैं शॉर्टकट की बहुत कम यूज करता हूँ, क्योंकि मैं शॉर्टकट की यूज करूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या किया। नहीं, देखना पड़ेगा लिस्ट में, मैं यूज नहीं करता तो मैं माफी चाहूंगा, मैं बता नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं पहले भी लिस्ट आपको दे दिया। ओके अब यहाँ पे कर सकते हैं। अब दूसरा था गैप, जैसे मान लीजिए कि मुझे तीन, हर तीन के बाद नंबर चाहिए, मैं यहाँ पे वन चाहिए, फिर यहाँ पे टू चाहिए, इस तरह मैं हर तीन रो को ब्लैंक, मैंने एक नंबर टाइप कर दिया तो तीन ब्लैंक होना चाहिए, वन टू थ्री, फिर यहाँ पे नंबर होना चाहिए टू, तो आप इनको ऐसे लिख दीजिए, फिर इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट किए और फिर इसको भी सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे दूसरा नंबर कहाँ पे आना चाहिए था, एट पे ना, नाइन पे, नाइन पे, वन टू थ्री, तीन रो ब्लैंक होके नाइन पे आना चाहिए, तो इसको आप सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। अब देखिए आपका नंबर आ रहा है हर तीन के बाद, आ रहा है ना,
ठीक है, तो उतना ब्लैंक वैल्यू आप छोड़ देंगे, ड्रैग करेंगे, तो उसी तरह से हिसाब से आपका ड्रैग होगा। समझ में आ गया आपको? कभी कभी क्या होता है कि हमें हमें हॉरिजॉन्टली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे टारगेट, हमें टारगेट चाहिए और यहाँ ब्लैंक छोड़ के फिर वापस यहाँ पे टारगेट चाहिए, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक रो मिलेगा, एक टारगेट मिलेगा, एक ब्लैंक, एक ब्लैंक, एक फिल, एक ब्लैंक, एक फिल, इस तरह से। उसके बाद एक चीज और होती है यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दे दिया CR1। अब इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 का सीक्वेंस दे देगा। दे दिया। अब कभी कभी मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ नंबर डाल दिए और नंबर हो गया डेट फॉर्मेट। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो भी डेट फॉर्मेट में ही इंक्रीज करेगा, दिख रहा है आप, जो कि गलत है। तो नंबर को देखते हुए, अगर नंबर फॉर्मेट को नंबर में ही रखें, नंबर में करने के लिए ऊपर यहाँ जनरल होता है, जनरल करते नंबर हो जाएगा, बाकी मैं डिटेल में बताऊंगा आपके आए क्लासेस में। और बता दिया कि आप डेट ड्रैग करते हैं तो सीक्वेंस होगा, चाहे नंबर को डेट फॉर्मेट में डाल दियो फिर भी वो सीक्वेंस में ही नीचे की तरफ ड्रैग करेगा। ओके, अब ड्रैग में किसी और समझ लीजिए, जो आप ड्रैग करते हैं किसी और समझ लीजिए कि आप ए लिख के ड्रैग करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको ABCD आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने जैन लिखा और नीचे ड्रैग किया तो Jan 5 आ जरूर आएगा। आपने संडे लिखा, आपने ड्रैग किया तो संडे मंडे जरूर आएगा, चाहे फुल में लिखे चाहे स्मॉल में लिखे, ये आपका जरूर होगा। इसमें हम जैसे मेरे सिस्टम में कि मैं यहाँ पूजा लिखा और नीचे ड्रैग करता हूं तो बहुत सारे नाम आ जाते हैं, तो लिस्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है कस्टम लिस्ट में जाके। ये आपको आगे एक दो क्लास बाद बताऊंगा कि हाउ कैन क्रिएट द कस्टम लिस्ट, फिलहाल इसको इग्नोर कीजिए। तो अगर आपने कोई अल्फाबेट किया है तो ऐसा नहीं कि आपकी ABCD हो जाएगा, लेकिन हाँ जैन फैक्ट, क्योंकि जो लिस्ट क्रिएटेड होती है वो ही ड्रैग होती है। लेकिन हाँ, इसके सामने अगर कोई नंबर A1 लिखा हुआ है तो नीचे ड्रैग करेंगे तो आपका ये आपका आ जाएगा। अब कुछ लोग कुछ बोलते हैं कि मैं यहाँ पे लिख दिया 1-Pooja, लिख दिया, मैं नीचे ड्रैग करूं तो क्या हो, 1-Pooja ही आएगा। लेकिन Pooja-1 अगर लिखा हुआ है तो फिर सीक्वेंस आ जाएगा आपका। Pooja-1 है तो नीचे ड्रैग करेंगे तो फिर आपको सीक्वेंस आ जाएगा। तो अगर आपका नंबर स्टार्टिंग में है तो ड्रैग करेंगे तो आपका इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन नंबर एंड में है तो डिक्रीज इंक्रीज जरूर होगा। और जरूरी है कि नंबर स्टार्टिंग 1 से ही हो, जैसे मैंने यहां पे डाल दिया 25143। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो ये आपका उसी सीक्वेंस नंबर को आगे कंटिन्यू कर देगा। ओके, समझ गया? यस सर। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। अब एक्सेल पे किसी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं इक्वल प्लेस करके। जैसे मान लीजिए कुछ नंबर को आपको ऐड करना है तो जैसे कैलकुलेटर में आप ऐड करते हैं ना, उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन एक सेल में आप इस तरह से ऐड करते जाइए, एंटर प्रेस मत कीजिए। जब आपका फाइनल हो जाए तो एंटर प्रेस करें, बट इक्वल से स्टार्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कोई भी, जैसे मुझे अगर डिवाइड बाय 63 करना है ये कर सकते हैं। यहां तक कि किसी सेल पे आपने लिखा हुआ है तो मैंने 50 लिख दिया और यहां पे 60 लिख दिया, इन दोनों को प्लस करना है तो इक्वल करके आप इसको क्लिक करें या इसका एड्रेस मैनुअल लिख दे, जो कल मैंने आपको बताया था, प्लस, इसको प्लस किया, एंटर कीजिए, 10 आ गया। मुझे इसमें कुछ और करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का सिंबल दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया तो आपका मल्टीप्लाई हो गया। तो आप बाकी नहीं पता ही आपको, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस, ये तो पता ही इसमें कर सकते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे कैलकुलेशन है, तो आइए क्लासेस में हम आपको फॉर्मूलेज बताएंगे जो कि मल्टीपल कैलकुलेशन और बहुत सारे मैथमेटिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है। बट ऐसे भी आप नॉर्मली कैलकुलेटर की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट।
अब कुछ नंबर आपके पास है और उसका आपको कुछ शॉर्ट कैलकुलेशन देखना है, सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ स्टेटस में तीन चीजें दिखेगी आपको, एवरेज, काउंट और सम। दिख रहा है? इस पर राइट क्लिक करके आप इंक्रीज कर सकते हो। जैसे मुझे काउंट के साथ मुझे मिनिमम भी देखना है, मुझे मैक्सिमम भी देखना है, तो ये चीजें ला सकते हो। जैसे मैंने मैक्सिमम और मिनिमम पे क्लिक कर दिया, तब यहाँ इसमें एवरेज दिखा रहा है, काउंट दिखा रहा है, मिनिमम दिखा रहा है, मैक्सिमम दिखा रहा है और सम दिखा रहा है। तो चीजें आप एड ऑन कर सकते हैं, इसको क्विक कैलकुलेशन कहते हैं। यहां पर आपको दिखेगा, अगर मान लीजिए कि आपका ये फिगर छोटा दिख रहा है तो यहां से जूम कर सकते हैं। ये सिर्फ विजुअल के लिए होगा, प्रिंट के लिए नहीं होगा, ठीक है? ऐसे जूम किया जा सकता है। अब बीच में जहां ये टर्निंग पॉइंट है, ये 100% होता है, इसको जूम कर सकते हैं। और स्क्रॉलिंग तो पता ही है कि रेटा को कैसे स्क्रॉल करना है। बाकी जो शॉर्टकट है वो आपको लिस्ट में दिख जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम आपके साथ फाइल मेनू बार स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो चीजें मैंने बताई है उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। अंकित जी, आपने सेशन को रिकॉर्ड नहीं किया है तो थोड़ी देर में मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूँ। और सोनम जी, आपकी जो रिकॉर्डिंग है थोड़ी देर में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर, माय डॉक्यूमेंट में, जो माय डॉक्यूमेंट होता है उस माय डॉक्यूमेंट के अंदर आपको जूम नाम का फोल्डर होगा और आज का डेट एंड टाइम का फोल्डर आपके पास एक ही होगा। मेरे पास बहुत फोल्डर है, आपके पास एक ही फोल्डर होगा। जैसे 22 तारीख 18:18 से न्यूज़पेपर पे स्टार्ट हुआ है, बन जाएगा। इसमें आपका जूम _0 करके है, अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है तो ऐसा दिख रहा है, जब कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा तो जूम _0 दिखेगा, वो आपका वीडियो होगा। तो उसको कॉपी करके कहीं और रख लीजिएगा, इस तरह से होगा। तो इसको कॉपी करके किसी और फोल्डर में मूव करके उसका रिनेम कर दीजिएगा कि आपने इस कौन सा टॉपिक है, टॉपिक का नाम दे दीजिएगा, ताकि प्रैक्टिस करते समय कोई प्रॉब्लम हुई तो इसको आप रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके, बाय बाय।